लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के खेमा में बड़ी सेंधमारी कर ली। बहुजन समाज पार्टी ने निशा सचान को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अकबरपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैन कुमारी मायावती से दिल्ली में निशा के नाम पर मुहर लगाई गई। इसकी औपचारिक घोषणा 21 को लखनऊ में की जाएगी। निशा भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में घाटमपुर के नगर पालिका चेयरमैन संजय साचान की पत्नी है। इस लिहाज से बसपा ने भाजपा के खेमे में सेंधमारी कर ली। संजय साचान गुड्डू नगर पालिका चेयरमैन के रूप में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर जीता था। बाद में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा गठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे में अकबरपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि गठबंधन के दौर में बसपा के खाते में आई थी। पिछले कुछ समय से लेकर इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर बसपा में उठापटक मची हुई थी। पहले कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट से किसी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन बसपा प्रमुख ने पिछड़ी जाति की निशा सचान के नाम पर मोहर लगा दी। निशा वर्तमान में घाटमपुर की विधानसभा क्षेत्र में आने वाली गिरिसी से जिला पंचायत सदस्य भी चुनी गई है। माना जा रहा है कि उनके पति संजय सचान ने एक साथ दो चाले चली है। पत्नी को चुनाव लड़ाकर वह लोकसभा में भी अपनी दमक रखना चाहते हैं और स्वयं नगर पालिका चेयरमैन पर पद पर भी बने रहेंगे। निशा को लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी और प्रत्याशी दोनों बनाया गया है। जिस समय निशा के नाम पर मोहर लगी उस समय दिल्ली में मायावती के सामने संजय सचान के अलावा चोनल इंचार्ज नौशाद अहमद भीमराव अंबेडकर भी मौजूद रहे थे। संजय साचान ने बताया कि टिकट तो मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने की बात पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता था, वो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिल गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा वो 21 तारीख को की जाएगी। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।